हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज थोड़ी सी बात करती हूँ मैं इब्राहिम फैमिली के बारे में। टीवी स्टार की जानी मानी फैमिली, सब जानते हैं उसे। उसकी ननद की बात करती हूँ, जैसे उसे सब लोग कहते हैं, शालू शालू करके भी कह नाम है उसका, और वैसे उसका नाम जो है सब जानते हैं। तो मैं आखिर उसने घर छोड़ने का और अलग रहने का फैसला क्यों लिया? अपनी मम्मी के पास से, अपनी मदर के पास से जाकर दूसरी जगह रहने का फैसला क्यों लिया? उसकी वजह है, उसकी वजह यह हो सकती है कि देखिए, ऐसा होता है शादी से पहले तो लड़कियां फैमिली में रहती रहती हैं, कोई वो नहीं है आश्चर्य की बात या कुछ ना, रहती हैं। लेकिन शादी के बाद वो प्रॉपर तरीके से, चाहे उसका अपना भी घर है और वो अगर वहाँ रहती है, तो एक ऐसा लगता है जब दामाद को कि जैसे मैं घर जमाई बन के रह रहा। बिल्कुल सही फैसला है उसका, कोई गलत फैसला नहीं है सभा का। मैं कहूँगी अगर उसने अलग रहने का, दूर रहने का फैसला लिया है, बिल्कुल सही लिया है। क्योंकि हर रिश्ते में स्पेस ज़रूरी होता है, और जब हर रिश्ते में हर चीज उसमें स्पेस बना के आप चलोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। जी हाँ, दूर रहना, देखिए अगर दूर रहने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं तो वो रिश्ते नहीं होते हैं, चाहे पास रहे या दूर रहे, रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। वो लड़की, मान लीजिए 1% सोचिए कि अगर उसका फ्लैट बॉम्बे में नहीं होता, वो प्रॉपर ससुराल में रहती, तब भी तो वो रहती ना। उसकी मदर को ये सोचना चाहिए दिमाग में कि लड़कियाँ जो होती हैं वो पराई ही होती हैं, शादी होकर दूसरे घर उन्हें जाना ही होता है। ये बात सोच के अगर उसकी मदर चलेंगी, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मदर ने तुरंत कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, वो नहीं, उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अलग रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, अगर उसके साथ ससुर भी आते हैं तो वहाँ रुकेंगे, रहना भी चाहेंगे साथ में, बहुत अच्छी बात है। यहाँ रह के कि एक ही नीचे, मतलब एक ही उसमें टावर में सास, एक ही टावर में क्या कहते हैं भाभी, भैया भाभी, एक ही टावर में, तुम वो एक खिचड़ी सी पक जाती है, एक अच्छा नहीं लगता। अगर उसने फैसला लिया है, बिल्कुल सही लिया है, और इसी वजह से उसने कहा है कि ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला फनी का है, सनी का है। तो देखिए, फैसला तो उसका नहीं हो सकता, 100% उसका नहीं होता, दोनों के मिलके ही, दोनों ने मिलके फैसला लिया होगा। बिल्कुल सही लिया है, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि देखिए रिश्तों में स्पेस जब बहुत ज़रूरी है। सही है, शादी को 1 साल हो गया, ठीक है, 1 साल तक रह लिए, आना जाना लगा रहा, अब उसे प्रॉपर रहना है। मान लीजिए कोई काम भी करना है, अलग रह के करेगी ज़्यादा बेटर होगा, आपके पास टाइम होगा, आप उसके पास मिलने जाओगी, सही है, वहाँ जाएगी, कुछ अलग सीखेगी, अपनी गृहस्थी बनाना सीखेगी। सबसे बड़ी बात, मदर को ये भी सोचना चाहिए कि जब जिम्मेदारी पड़ती है लड़की के ऊपर तो वो सब करती है, और जब उसकी गृहस्थी बिल्कुल अलग होगी तो वो हर तरीके से टैकल करेगी अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी को, अपने घर को, अपने हस्बैंड को। यहाँ क्या है, अगर मन नहीं कर रहा बनाने को कुछ नहीं, तो मम्मी ने बना के ला के दे दिया, ठीक है, ससुराल में सास हैं, ससुर हैं और परिवार है, सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब बच्चा अलग रहता है, अपने तरीके से रहता है, तो उसके ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ती है तो वो अपने तरीके से करता है। हो सकता है वो कोई और भी काम करना चाह रही हो वहाँ, है ना। जी हाँ, तो ये जो फैसला लिया है सभा ने, बिल्कुल ठीक लिया है, बिल्कुल सही लिया है, बिल्कुल बढ़िया लिया है, बहुत अच्छा लिया है। और देखिए, मैके में शादी के बाद मैके में ना रह लेती है, भले ही उसका अलग फ्लैट है, लेकिन उसके रिश्ते में ना एक स्पेस नहीं है, बच्चे भी रहते हैं वहाँ पे, है ना, आना जाना, बैठना उठना, खाना पीना, हर वक्त का वो रहता है। फिर होता क्या है कि अगर वो उसी टावर में रह रही है, आई है, रह रही है, ठीक है, अगर नहीं गई, भैया भाभी से नहीं मिली, तो थोड़ा सा दिल में आ जाता है, देखो हमारे से मिलने नहीं आई, या भैया भाभी नहीं आए तो दिल में आ जाता है कि देखा भैया भाभी नहीं आए मिलने, या भैया नहीं आए, है ना। अब दूर रहेंगी, जब मन चाहेगा महीने में एक बार भैया का मन कराए, भाभी का, मिल के आएंगी, या ये भी आएगी, एक जैसे मेहमान की तरह लड़कियाँ आती हैं, वो चाहती हैं कि मैं भी उसी तरीके से आऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जी हाँ, उसी तरीके से, तो मैं यही कहूँगी कि जो उसने कहा, लिया फैसला, बिल्कुल सही लिया, समझदार लड़की है, कोई ऐसी नहीं है, और बहुत प्यारी सी बच्ची है वो, और ये फैसला मिल के दोनों हस्बैंड वाइफ ने लिया होगा, अकेले वो सनी का फैसला नहीं हो सकता जैसे वो कह रही थी। तो
अच्छा किया तुमने सवाल, जो कि सोचा बहुत अच्छा सोचा। ये जो रिश्ता है, ये रिश्ते ऐसे नहीं होते कि ख़त्म हो जाए, आगे तक चलाने होते हैं। और जब तक आगे तक लाइफ टाइम जो रिश्ते चलाने होते हैं, उन रिश्तों में स्पेस बहुत ज़रूरी होता है।